हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो कई कई अंगूठियां पहनने का नाम विलायत नहीं है। सुनिए, जब वो चल दिया ने पूछा क्यों चल दिए, क्यों आए थे? कहने हुजूर इसलिए आया था कि आपसे मुरीद होना था, मुरीद होना था। फरमाया तो बगैर मुरीद हुए क्यों जा रहे हो? मुरीद तो हुए नहीं जा रहे हो। कहने के हुजूर मैंने ये सोचा था कि अगर आपकी कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। तब आपकी कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। तो फरमाया इतने दिन रहे कोई करामत नहीं देखी, साले महीने रहे मेरे पास कोई करामत नहीं देखी। कहा नहीं, कोई करामत नहीं देखी। मैं अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात बताओ, तुम इतने महीने मेरे पास रहे कोई करामत नहीं देखी, मगर ये बताओ क्या तुमने मेरा कोई फेल शरीयत के खिलाफ देखा, रसूलल्लाह की सुन्नत के खिलाफ देखा? कहा नहीं। फरमाया नादान इससे बढ़कर और करामत क्या होगी कि बंदा अल्लाह के रसूल की शरीयत पर सही तौर पर अमल कर रहा है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना यही सबसे बड़ी करामत है, इससे बड़ी तर कोई करामत नहीं। बेशक आप देखिए बुजुर्गाने दीन की जिंदगी, देखिए कि उनकी जिंदगी एक एक कदम उनकी जिंदगी का शरीयत के मुआफिक है, रसूलल्लाह की सुन्नत पर अमल है। मुझे एक वाक्य याद आता है, गौर कर लीजिए, मैं सुनाता हूँ आपसे, अर्ज करता हूँ और मैं बात खत्म करता हूँ। तवज्जो रखिएगा और हम भी अपनी सलाह करें, अल्लाह मुझे भी सलाह की तौफीक फरमाए और आपको सलाह की तौफीक। आमीन। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत धुला धुला हूँ, अल्लाह मुझे भी तो अमल की तौफीक दे, आपको आमीन। तवज्जो रखिएगा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। अभी परसों जुमे में बोल रहा था, आज हमारा जो हाल है सुन लीजिए, एक मोमिन को, एक मोमिन को मुसलमान किसके बताए रास्ते पर अमल करना चाहिए, आप बताइए किसके बताए हुए रास्ते पर? आका, आका के बताए हुए रास्ते पर अमल करना चाहिए, मगर आप बताइए कि आप आका के बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं, आप बताइए? नहीं, हमारा कोई अमल आका के बताए हुए तरीके पर नहीं, जो आका ने बताए हमने सारे तरीके अपने बनाए, हर अमल हमारा गैरों से मुसाफ, गैरों से, हमने बहुत सी चीज गैरों से ले ली, गैर ऐसा कर रहे हम भी ऐसा कर रहे, गैर ऐसा कर रहे हम भी ऐसा कर रहे। अब मैं दूर नहीं जाऊंगा, अब आप देखिएगा एक फैशन चला है साहब, आप जरा टोपी हटाइए अपने सर देखिए, बहुत से नौजवानों के कैसे बाल काटे होंगे, आप देखिए एक फैशन चला है। फिल्म में कोई हीरो जैसे जो है लिबास पहन के जैसे सूरत बनाकर आ गए, हमने वैसे बना ली, समझते बस इसी में हमारी नजात, उसने बिल की बाज रख ली है और चारों तरफ के कटवा लिए, आपने शुरू कर दिया। अब गौर कीजिए आप किसके किसके रास्ते पर अमल कर रहे हैं, किसके तरीके पर अमल कर रहे हैं? एक मोमिन को फिल्मी हीरोइन के बताए हुए रास्ते पर उनके किरदार पर अमल करना चाहिए। याद रखिए सिर्फ एक रास्ता नजात का, एक रास्ता, इसके अलावा कोई नजात का रास्ता नहीं। बेशक एक रास्ता नजात का है, और क्या है? वो मुस्तफा जाए रहमत की शरीयत है, वही हमें नजात का है। हक है, कोई रास्ता नहीं। आप किसी का भी किरदार अपना लें, किसी को सूरत बना लें, ये हीरो हीरोइन यहाँ रखिएगा कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, मैदाने महशर में आपके काम नहीं आएंगे, और हमें अगर कोई जात हमारे काम आएगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई काम आएगा तो मेरे आका की जात है। मगर मेरे ईमान वाले भाइयों जरा सोचो, आज हमने शक्ल दूसरों की बनाई, लिबास दूसरों का है, किरदार दूसरों का है, आदत दूसरों की है, और कल मैदान महशर में जब हमें शफाअत की जरूरत पड़ेगी और हम नबी के सामने जाएंगे, अगर नबी ने ये कह दिया नादान मेरे पास शफाअत की भी लगी
रहने के लिए आया है, मत के दाद दुनिया में तेरा मेरे जैसा था नहीं, मेरी बातों अमल था नहीं, मेरे बताओ रास्ते पर चला नहीं, किस मुंह से किस सूरत में साहब मेरे पास शफात की भीख लेने के लिए आया, तो क्या जवाब दोगे ईमान वालों? सोचो, गौर करो, गौर करो और अपने आप को बदलो ईमान वालों, बदलो बदलो अपने आप को, ये सारे फैशन छोड़ो, वो फैशन अपनाओ, वो तरीका अपनाओ, वो जिंदगी अपनाओ जो मेरे नबी की जिंदगी थी, वो जिंदगी अपनाओ जो इमाम हसन की जिंदगी थी, ये इमाम हुसैन की जिंदगी थी, सैयदा फातिमा की जिंदगी थी, वो जिंदगी अपनाओ। और मैं एक बात कह के बात खत्म करता हूँ, ये हमारी माँ बहन तशरीफ फरमा रही, आप भी तशरीफ फरमा है, आप भी सुन लीजिए और जाके बताइए, तवज्जो। आज हमारे यहाँ खासतौर से हमारी माँ बहन है जो मन्नतें मानी जाती है, वो जो है 10 बीवियों कहानी, 20 बीवियों कहानी, फला बहन की कहानी, ठेका बहन की कहानी हमारे यहाँ बहुत पढ़ी जाती है, मन्नतें मान मान फातिहा पढ़ी जाती है, मन्नतें मानी जाती है 10-20 बीवियों कहानी बनाकर। अब मैं तवज्जो कहूंगा, मैं माँ बहनों से कहने जाऊंगा कि आपको 10-20 बीवियों की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बीवी सैयदा फातिमा की कहानी पढ़ लो, तुम्हारी दुनिया भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उनकी जिंदगी पढ़ो, उनकी कहानी पढ़ो, उनकी कहानी उनकी जिंदगी कैसी थी, ये 10-20-50 बीवियों कहानी पढ़ने से वो नहीं है, सिर्फ एक बीवी कहानी पढ़ो, एक बीवी कहानी, और सुनो मेरे मोहतरम बात, आप भी सुन 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 लो, तवज्जो उधर, तवज्जो मत दीजिए, तो तवज्जो दीजिए उधर, मत देखो यार मेरी तरफ, देखो यार कुर्सियां हैं यार, कभी देखी नहीं कुर्सियां, उसी कुर्सी पे बैठो यार, बस मैं बात खत्म करता हूं, तवज्जो तवज्जो सुनो, सैयदा फातिमा की जिंदगी देखिए, सैयदा फातिमा की जिंदगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अपने साहबे इमरान से, इमरान मेरी बेटी फातिमा बीमार है, का आयाद के लिए चलोगे? हाँ या रसूल, चलेंगे चलेंगे, जल्दी दरवाजे पहुंचे, मेरे आका शाह फरमाया फातिमा पर्दा कर लो, इमरान मेरे साथ, सबक यहीं से ले लो पहला, कि हर बालिग औरत पर पर्दा फर्ज है, बेशक है हमारे यहाँ पर्दा, तवज्जो रखना, अब आगे बढ़ो, और वो लोग जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी है वो गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, आकर फरमाया फातिमा पर्दा कर लो, इमरान मेरे साथ में है, अब जवाब क्या आया सुनिएगा, सैयदा फातिमा का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कैसे करूं, मेरे पास सिर्फ एक चादर है, एक एक चादर है, उस चादर का आलम यह है कि सर ढकती हूं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढकती हूं तो सर खुल जाता है, ये किसके पास चादर है, तवज्जो रखना, किसके पास, उस बेटी के पास जिसका बाप मुख्तारे कायनात है और खुद वो बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, एक चादर है, एक चादर, और गुजारा हो रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबली शरी अपनी चादर दी, फरमाया फातिमा इससे पर्दा कर, पर्दा अंदर तशरीफ लाए, गुफ्तगू शुरू हुई, सैयदा फातिमा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोहरी मुसीबत, दोहरी परेशानी, का क्या, अज का या रसूलुल्लाह, एक तो बीमार हूं, बुखार की शिद्दत है, कई दिन हो गए हैं, और या रसूलुल्लाह दूसरी ये कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तवज्जो रखना सारे बाप, तवज्जो देना, आज अगर ये मामला हमारी बेटी के साथ होता तो बाप और माँ बेटी हाथ पकड़ती खा ले आती, नहीं रखना हमें ऐसे घर में कि जिसमें खाना और दवा भी नहीं, जिस घर में एक चादर हमारी बेटी के लिए, हमारी बेटी ऐश करने के लिए, हर तरह का आराम चाहिए, मगर आका ए कायनात की सीरत देखो, जब फातिमा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो बीमारी और ऊपर से 2 दिन से खाना नहीं खाया,
तो मुख्तारे कायनात फरमाया फातिमा परेशान मत हो, अगर तुमने दो दिन से खाना नहीं खाया तो तुम्हारे वालिद ने तीन दिन से खाना नहीं खाया है। ओ फातिमा सुनो, मैं तुम्हें इसी घर में रहना है और मैंने दुनिया के बेहतरीन आदमी से तुम्हारा निकाह किया। हमें सबक मिल रहा है, इस वाक्य में सबक मिल रहा है। आज तो जरा ऐसी बातों पर जो है लड़कियों घर लेके चले आते हैं, अजीब तमाशा बना रहा, अजीब तमाशा, जरा सी बात हुई फौरन लेके चली आई। रिश्ते निभाना सीखो, रिश्ते निभाना सीखो, ये रिश्ते तोड़ो मत। ये खून के रिश्ते तोड़े नहीं जाते। हम खून के रिश्तों को बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। और याद रखना एक हदीस ये भी है कि जो अपने खून के रिश्तों को तोड़ेगा वो जहन्नम में दाखिल, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप जहन्नम का सामान कर रहे हो जरा सी बात हो, रिश्ते तोड़ तोड़ कर, रिश्ते मत तोड़ो, रिश्ते जोड़ो। और आका फरमाते हैं जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे जोड़ो। ये नहीं फरमाया जो जोड़े उससे जोड़ो नहीं, बल्कि जो तोड़े उससे जोड़ो। और जो जोड़े उससे अगर तुमने जोड़ा तो कोई कमाल नहीं किया, जो रिश्ता तोड़े उससे जोड़ो ये कमाल है। मेरे मोहतरम, मैं आपसे अदब से गुजारिश करूंगा, ये इजलास होते रहेंगे। अभी खुतबा भी आपके सामने हैं, शोहरा भी हैं, आप एक से बेहतरीन तकी सुनेंगे, बेहतरीन शायरी सुनेंगे। मगर मैं बात बहुत अदब से अर्ज कर दूं, सिर्फ शायरी सुनने ही ईमान नहीं है, सिर्फ तकरीर सुनने ही ईमान नहीं है, अच्छे शेर पर नजराना देना ही ईमान नहीं है। याद रखिएगा, इमाम हुसैन की महफिल कर देना ये ईमान, सिर्फ इतना ईमान नहीं है। उनकी महफिल मुनाकिद कर देना हक अदा कर दिया, नहीं, ये मोहब्बत का हक अदा नहीं हुआ। और याद रखिए, मोहब्बत का हक कब अदा होगा, ईमान कब पुख्ता होगा, नबी की मोहब्बत कब पूरी होगी, जब हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब हमारा ईमान भी कामिल होगा, हमारी मोहब्बत। याद रखिएगा, नबी के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आखिर में बात करके मुख्तसर होना चाहता हूँ कि देखो हुसैन की याद मनाओ, खूब मनाओ, खूब मनाओ, खूब महफिल करो, खूब फातिहा करो। और मुझे क्यों बुरा लगेगा यार, मेरे दादाजी की महफिल होगी, मुझे तो खुशी होगी यार, हुसैन की महफिल की खुशी हो रही है। मगर मैं एक बात अर्ज कर दूं, महफिल मनाओ मगर असर बदायूनी ने कहा था उस पर भी गौर करना, उन्होंने कहा था यही पैरवी हुसैन है कभी गौर तूने किया असर, यही पैरवी हुसैन है कभी गौर तूने किया असर, यहाँ तू नमाज से बेखबर वहां सर कटाया है। याद रखिएगा, नमाज बहुत अहम इबादत है, बहुत अहम इबादत, इसके बगैर चारा नहीं चलने वाला। नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मेरे आका ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। अब कौन मारेगा बच्चे को, जो अब्बा खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे कौन मारेगा। ईमान वालों, इससे काम नहीं चलेगा, खुद भी नमाजी बनो, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाओ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ईमान वाले बावत की नमाज के पाबंद हो जाएं तो मेरे हुसैन को इससे बेहतर कोई खिराज नहीं हो सकता है। गौर करो मेरे मोहतरम, इमाम हुसैन तो करबला की रेप पर, तपती हुई रेप पर सूरज आग बल रहा है, तलवारों के साए हैं, तीरों की बारिश हो रही है, मगर जब नमाज का वक्त आ गया तो अपनी पेशानी को अल्लाह को हुजूर झुका दिया है। और हम हैं
एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, फिर भी मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाते। ये बड़े अफसोस की बात है मेरे मोहतरम। इससे हुसैनी आप खूब नारे लगाते रहो, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन का जहर दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मैं वही बात कहता हूँ कि पहले देख लो कि हाथ हुसैन का दामन है भी ये नहीं। अगर यकीनन अगर हुसैन का दामन हाथ में होता तो हमारी नमाजें न छूटती, हमारे रोजे न छूटते, हमारे हज नहीं छूटते, हमारी जकात नहीं छूटती, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो है किसी को धोखा नहीं देते, हम सूद नहीं खाते, हम ये सब बुरी हरकतें नहीं करते। अगर सच मानो हुसैन का दामन हमारे हाथ में होता तो पता ये चला कि हुसैन का दामन सही तौर पर हमारे हाथ में है नहीं। सही तौर पर इमाम हुसैन का दामन अपने हाथ पर लाना पड़ेगा। परवरदिगारे आलम हमें भी और आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और यहाँ जितने लोग हाजिर आए हैं मौला जिनकी जो जो मुरादें हैं, जो तमन्ना है मौला, उनकी हर नेक जाय तमन्ना को अपने फजल से, अपने करम से, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फरमा। أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما علينا إلا البلاغ السلام عليكم